वर्ड में इंसर्ट टैब में हमने आपको यहाँ तक बता दिया था, टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है, हेडर फुटर पेज नंबर ये सारे ऑप्शंस बता दिए थे, तो आ गए थे आप सभी को। चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स हमें लेना बता ही दिया था कि आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, कुछ अलग डाटा आपको शो कराना हो तो यहाँ पे आप किसी भी टाइप का फॉर्मेट लेके, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के बॉक्स दिए आपको, तो यहाँ पे आप ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सपोर्ट क्विक पास। आप इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन हमने आपको हेडर फुटवाया तब भी बोला था कि ये आ रहा है, तो यहाँ पे ये ऑटो फिल आ रहा है, ऑटो टैक्स, ऑटो टैक्स में आपको ये टैक्स लेके आ रहा है कि आपका टैक्स यहाँ पे है, तो आप यहाँ पर जिस टैक्स को शो कराना चाहते हैं ये टैक्स आ रहा है, या फिर ये डॉक्यूमेंट हेडिंग आ रही है इस पर क्लिक कर देंगे तो जहाँ कहीं पे क्लिक होगा वो यहाँ पे आपको दे देगा डाटा। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या रहता है आपका, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। ये भी हमने बताया था आपको, ये ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि आपको मैनेजर का नाम देना हो, कीवर्ड्स देना हो आपको, या फिर यहाँ पे आपको और भी कैटेगरी देना हो, ऑथर का नाम देना हो, तो जहाँ पे आपको क्लिक है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर देखिए ऑथर के नाम में क्या आ रहा है, आईसीआईसी। क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि आपका ये आईसीआईसी नाम क्यों ला रहा, क्योंकि सिस्टम को आईसीआईसी मतलब यूजर नाम है उसका, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कंप्यूटर देते हैं फिलहाल में, पर आपको जो भी देना है आप यहाँ से वो दे देंगे, ठीक। और अगर आपको हटाना है तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से बैक स्पेस से रिमूव हो जाएगा आपका, और डिलीट किसे भी हो सकता है डिलीट। फिर यहाँ पे आपके ऑप्शंस रहता है फील्ड्स, इस पर आप क्लिक करते हैं तो फील्ड्स मिलती हैं आपको, वही आ रही है बिब्लियोग्राफी वगैरह, ये सब आप आगे की क्लास में करेंगे, अभी आपकी ये हुई नहीं है, बस ये हो गई आपको जैसे कि ऑथर का नाम देना हो, ऑटो नंबर, तो ये तो आपके यहाँ पे रेफरेंस में आपको ये मिल जाएगा, ये बिब्लियोग्राफी वगैरह, तब आप ये आगे करेंगे। तो अभी अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको वर्ड आर्ट, आप यहाँ पे इंसर्ट वर्ड आर्ट के ड्रॉप डाउन ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट लेना हो, किस फॉर्मेट का लेना है आप यहाँ से वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और आप यहाँ पर जो भी डाटा लिखना चाहते हैं इसके अंदर आप वहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक, और इसको आप मूव करके कहीं भी रख सकते हैं। इसके बाद आप देख रही है फॉर्मेट ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको यहाँ से लेना आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज इसके अंदर वगैरह कलर फिल करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपने कर लिए हैं, ये सारे वही हैं, बस इसमें क्या एक ऐड हो जाता है आपका टेक्स्ट बॉक्स में, ये ट्रांसफर आपको यहाँ से किस टाइप से टेक्स्ट को शो कराना उसके लिए रहता है, तो उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपको जिस भी टाइप का लेना हो यहाँ पे आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डाल सकते हैं टेक्स्ट में इस टाइप से, ये आपका वर्ड आर्ट रहता है। वर्ड आर्ट में क्या होता है, आपको स्टाइलिश वर्ड मतलब कलरफुल लेने के लिए आपको इसमें मिल जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन रहता है आपका ड्रॉप कैप, ये सभी स्टूडेंट को पता है, बस उनका नाम नहीं जानते इस ऑप्शन का वो, आप सभी ने न्यूज़पेपर देखा होगा या पढ़ा होगा, उसमें आप देखते हैं फर्स्ट जो लेटर रहता है उसका फर्स्ट वर्ड रहता है हिंदी हो या इंग्लिश हो, बहुत बड़े साइज का रहता है, कम से कम 3-4 लाइन का तो रहता ही है, और उससे ज्यादा फिर वो दे देते हैं, तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट आपका क्या है पैराग्राफ, इसमें ये भी है, भी आपको क्या करना है बहुत बड़े साइज में, मतलब इसके तीनों लाइन में आ जाइए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉप कैप पे ड्रॉप डाउन और ऊपर क्लिक करेंगे, ड्रॉप ऐड करेंगे, देखिए तीनों लाइन के अंदर ले रहा है वो, लेकिन किस अकॉर्डिंग ले रहा है, बिल्कुल इक्वल में यहाँ पे बिल्कुल बराबर भी मार्जिन आ रहा है, और अगर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इन मार्जिन, तो वो क्या लेगा मार्जिन के थोड़े बाहर ले देगा आपको, ठीक है, लेकिन ले कितनी लाइन में रहा है वो, 3 लाइन में, अगर आपको इससे ज्यादा लाइन देना हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ड्रॉप कैप ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितनी लाइन है आपकी, 3, अगर आप डाउन एरो पर क्लिक करें तो कम तो कर सकते हैं आप लाइन, लेकिन आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कितने से ज्यादा नहीं ले सकते, 10 से ज्यादा, जैसे आप यहाँ पे अप एरो पर क्लिक करेंगे तो 10 से ज्यादा वो लाइन्स नहीं आएंगी, मतलब 10 लाइन में आप इसको दे सकते हैं, और ओके करेंगे तो 10 लाइन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आता है ओनली, हाँ दूसरे पैराग्राफ कर ले सकते हो आप, जैसे कि हम इसे क्या करते हैं नॉर्मली 3 लाइन में कर देते हैं, इस पे चलते हैं।
ये है, और यहाँ पे ठीक है अपन क्या करते हैं इसको थ्री लाइन कर देते हैं, ओके करते हैं। सॉरी अपन दूसरे पैराग्राफ पे क्लिक पे, इसलिए दूसरे पे क्लिक हो रहा है, अपन फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपन इसका ऑप्शन थ्री लाइन कर देते हैं अपन। तो हमने इसके थ्री कर दिया, ओके तो थ्री में आ रहा है। अब आपको इसका भी करना है टू मैथ का, तो टू इस पर क्लिक करेंगे और इसका कर देंगे, इसका लेना तो इसका ले लेंगे, क्योंकि तो आपने थ्री लाइन सेलेक्ट किया, इसमें फोर है तो देखिए उसने थ्री में लिया है आपका। बाकी आपको जितनी लाइन में उसका कैरेक्टर मतलब फर्स्ट जो कैरेक्टर है उसका वो जितना भी बड़ा लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। नॉर्मल करना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको नन कर देंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसको भी नन कर देंगे यहाँ आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहता है आपका, सिग्नेचर लाइन। आप इस पर क्या करते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे उनकी पोस्ट देनी हो, क्या पोस्ट है ठीक है, सॉरी यहाँ पे उनका नाम देना हो, आप जैसे कि नाम आपने दे दिया, कुछ नाम भी देते हैं पर नहीं देना तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको उनका क्या देना है टाइटल, मतलब कि टीचर है या फिर फादर सिग्नेचर या फिर मदर सिग्नेचर या फिर स्टूडेंट सिग्नेचर, तो आप यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर ले लेते हैं, शॉर्ट में लिख दिया हमने सिग्नेचर। बाकी आपको मेल आईडी डालनी है तो आप यहाँ पे मेल आईडी डाल सकते हैं और ओके करेंगे। तो जहाँ पे आपका क्लिक रहेगा वहाँ पे देखिए आ गया स्टूडेंट सिग्नेचर के नाम से, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके वर्ड पर क्लिक करेंगे, इसको मूव करके आप कहीं भी रख सकते हैं। और ये इस टाइप से लेता है, एक्स आ रहा है ऊपर, वहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, और अगर हटाना है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, इसे हटा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें नॉर्मल सिग्नेचर लेना हो, जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स में रहता है सिर्फ हिंदी में लिखा रहता है या फिर इंग्लिश में लिखा रहता है, एक्स वगैरह कुछ नहीं रहता, एक लाइन रहती है और एक नाम लिखा रहता है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। नीचे देना एंटर की किया आपने, स्टूडेंट लिखा अपन ने, यहाँ पे सिग्नेचर ठीक है। अब नीचे आपको एक लाइन देनी है ओनली, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे होम टैब पे जाके अंडरलाइन वाला ऑप्शन किया था आपने, तो अंडरलाइन वाला ऑप्शन यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। देखिए नीचे लाइन आ गई, बाकी आप इस पर फिर यहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग ठीक। इसके बाद इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलता है, डेट एंड टाइम। ये ऑप्शन भी हमने आपको बताया था जब हेडर एंड फूटर दिया था कि आपको आपके डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम शो कराना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे किस फॉर्मेट में आपको डेट और टाइम शो कराना, वो फॉर्मेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है, आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपने जो डेट और टाइम लिया है अपन इसकी अंडरलाइन हटा देते हैं। देखिए इसमें क्या आ रही होंगी, आपकी डेट आ रही है टाइम नहीं आ रहा, तो अपन इसे सेलेक्ट करते हैं और अपन चेंज करते हैं इसका, क्योंकि अपन टाइम भी लेना है साथ में, तो अपन लेते हैं ये वाला और ओके करते हैं। देखिए आ गया यहाँ पे, तो टाइम भी वो आज ही का बता रहा है, डेट भी वो आज ही का बता रहा है, और आप इसको सेव कर देंगे ना तो ये आज ही की डेट टाइम शो कराएगा जब आपने डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम दिया होगा तब का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने जो ऑटोमेटिक वाला सॉरी ऑटोमेटिकली वाला ऑप्शन था वो सेलेक्ट नहीं किया है। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं फिर आप इसको सेव कर देंगे ना, तो पर डे जब आप ओपन करेंगे जो भी टाइम रहेगा जो भी डेट रहेगी वो यहाँ पे शो होगी, मतलब ऑटोमेटिक उसको वो अपडेट कर दिया करेगा डेट और टाइम आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहता है आपका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आप यहाँ पे वर्ड में काम कर रहे हैं लेकिन आपको पता है कि पीडीएफ में अपन कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते, सभी को पता है। हाँ उसमें ये है कि उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं उसमें, लेकिन एडिटिंग नहीं होती है पीडीएफ में, नहीं होती, और आपको एडिटिंग करनी है तो क्या करते हैं अपन, पीडीएफ का डाटा वर्ड में ले सकते हो आप। ये बहुत यूज में आता है लेकिन इस सिस्टम में बहुत लंबी टाइमिंग चलती है, प्रोसेस चलती है। आप नीचे लेके देख लेना, हम यहाँ पर व्यू लेके बता देंगे आपको किस टाइप से लेना है, लेकिन आप नीचे पूरी प्रोसेस करके देखना। अपन क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा आपका, जैसे कि आपको अभी आपने वर्ड ही क्लियर कर रहे हैं आप, जैसे आपको कुछ एक्सेल का डाटा लेना हो, इसमें एक्सेल का डाटा फिल करना हो, एक्सेल की चार्ट लेनी हो आपको, पावर पॉइंट का कुछ डाटा लेना हो आपको, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट खुद ही फिल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट